राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। और आज तो सभी सीरियल्स में जोरदार धमाके होने वाले हैं, क्योंकि आज है सुपर शनिवार। अनुपमा में माया ने अनुज को रिझाने का काम शुरू कर दिया है, और तो और वो उसके लिए रोमांटिक डेट भी प्लान कर रही है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा का भव्य स्वागत होता है उसके घर में, और वहाँ पे अभिमन्यु बेचैनी से पागल हो रहा है। वहीं गुम है किसी के प्यार में सई ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सभी को आखिर सच किसने बताया। अब सारी जानकारी जानने के लिए पहले आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए रोज की तरह शुरू करते हैं चुगलियों का सिलसिला और जानते हैं कि किस किस के घर में क्या क्या हो रहा है। अनुपमा में माया तो जादूगरनी की तरह अनुज को अपने काबू में कर रही है, और तो और वो अनुज के सामने अपने दिल की बात भी रख देगी। वो अनुज के लिए छोटी के बहाने रोमांटिक डिनर भी प्लान करने वाली है, जिसकी भनक अभी तक अनुपमा को लगी ही नहीं है। मतलब अपनी ही कहानी में अनुपमा अब साइड वाली हीरोइन होने वाली है। होता ये है कि अनुपमा शाह परिवार पहुंच चुकी है, और वो कहती है कि वो यहाँ पर अपनी मर्जी से आई है, वो भी अपने बेटे के लिए। लेकिन जितनी ज़रूरत तोशु को है उतनी ही ज़रूरत छोटी को भी है, इसलिए तोशु के थोड़ा ठीक होते ही वो वहाँ से चली जाएगी। तभी राखी कहती है कि अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना ये लोग तो किंजल को नौकर बनाकर रख देते। लेकिन अनुपमा कहती है कि किंजल जो करती है वो अपने मन से करती है, और दूसरा एक परिवार एक फैक्ट्री की तरह होता है, हर एक मशीन का चलना बहुत ज़रूरी है। अब जहाँ एक मशीन काम करना बंद कर देगी तो फैक्ट्री ठप हो जाएगी। यहाँ भी सबको मिलकर अपना काम करना होगा और जिम्मेदारी लेनी होगी। उधर बापूजी को चिंता है कि अनुज हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। बापूजी तुरंत अनुज को फ़ोन मिलाते हैं। बापूजी कहते हैं कि अनुपमा गलत नहीं है, और तेरा नाराज़ होना भी जायज़ है। वो अनुज से अपने दिल की बात करने के लिए कहते हैं, लेकिन अनुज बेचारा अपने आंसू ही नहीं रोक पाता और बहाना बनाकर फ़ोन काट देता है। वहीं कपाड़िया हाउस में माया ने घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ली है, और वो अनुज को भी अपने हाथों से खाना देती है। अनुज को वैसे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो तो अब मजबूर है बेचारा। लेकिन बरखा कहती है कि यहाँ तुम पहले छोटी के लिए आई थी, लेकिन अब तुम्हारा प्लान थोड़ा चेंज हो गया है, तुम्हें अब सब कुछ चाहिए। लेकिन माया कहती है कि अनुपमा के ना होने पर उसने सारा घर संभाला है, तो उसे भी अनुपमा की तरह अब तारीफ़ मिलनी चाहिए। अब इसी बीच अनुपमा अनुज को फ़ोन करती है, लेकिन वो बिजी का बहाना करके फ़ोन काट देता है। आने वाले एपिसोड में माया छोटी के बहाने रात को कैंडल लाइट डिनर प्लान करेगी, और बातों ही बातों में छोटी को अनुज और अपनी बेटी बताएगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा के आने की खबर से अभिमन्यु बहुत ज़्यादा परेशान है। वो अक्षरा की कही बातों को याद करता है कि उसने तो कहा था कि वो तो अपने पास्ट को पीछे छोड़ चुकी है। अभिमन्यु अपने आप से ही बात करता है और कहता है कि अब वो वापस क्यों आ रही है, रहे अपने बच्चों के साथ और अपने पति के साथ, यहाँ आकर हमारा चैन क्यों छीन रही है, वापस चली जाओ अक्षरा, अब इतने सालों तक दूर रही तो अब क्यों आना चाहती हो। उधर अक्षरा उदयपुर में कदम रख चुकी है, और मिम्मी उसके आने से पहले ही दरवाजे पर उसका इंतज़ार कर रही है। मनीष समझाता भी है कि अक्षरा को आने में अभी टाइम है, अभी आराम करो, लेकिन मिम्मी नहीं मानती। लेकिन तभी अक्षरा आ जाती है, और सभी लोग आंसुओं से उसका स्वागत करते हैं और गले लगा लेते हैं। अभीर और अभिनव तो इतना बड़ा घर देखकर हैरान हो जाते हैं। अभीर सबके पैर छूता है और अभिनव भी। उधर अभिमन्यु अपना गुस्सा उतारने के लिए जिम करता है, और अभिमन्यु की ऐसी हालत देखकर मंजरी परेशान हो जाती है। आरोही भी कहीं ना कहीं बेचैन है। वो सोचती है कि अब तक तो उसने अक्षरा को भुला दिया था, लेकिन अब वो यहाँ क्यों आ रही है। वहीं अक्षरा का भव्य स्वागत गोयनका हाउस में हो चुका है। मिम्मी उसकी आरती करती है और तीनों पर फूल भी बरसाती है। अब इतना प्यार और सम्मान पाकर अभिनव बेचारा रोने लग जाता है, उसे तो उसका परिवार मिल जाता है। लेकिन आने वाले एपिसोड में अभिमन्यु आधी रात को अक्षरा से मिलने के लिए पहुँच जाएगा। वहीं गुम है किसी के प्यार में सभी सही को बता देती है कि उसे पता है कि विराट ही उसका असली पिता है। अब सभी की बात सुनकर सही ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर सभी को सच बताया किसने। अब सभी ये नहीं बताती कि ये कहानी उसे आखिर किसने सुनाई। सही सबसे पहले मौसी पर गुस्सा करती है कि बिना पूछे सभी को सच क्यों बताया। मौसी कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसके बाद सही जगताप के पास पहुँच जाती है और उसे खूब डांटती है। लेकिन जगताप कहता है कि उसने वीनू का सच पत्र रेखा को बताया था, लेकिन सभी को उसने कुछ नहीं बताया। अब सही परेशान है कि सभी को सच्चाई कैसे पता चली। उधर काकू को डर है कि सही क्या करने वाली है। अब ये पता लगाने के लिए वो बहाने से वीनू के जरिए सभी को फ़ोन करने की कोशिश करती है।
सभी भवानी को बताती है कि यहाँ तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद सई आकर सभी पर दबाव बनाती है, जिसके बाद सभी सारा सच बता देती है कि ये सारा सच उसे भवानी ने बताया था। अब सच जानने के बाद सई क्या कदम उठाएगी, ये तो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज के सीरियल्स की जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। हम फिर मिलने आएंगे इसी समय पर। राम राम।